जहां एक तरफ यूके की राजनीति में उथल पुथल मच गई है और ऋषि सुनक सरकार की सत्ता जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर यूएई, सऊदी अरब, चाइना, रूस, इन सबको पार करते हुए भारत ने एशिया में सबसे ज्यादा तेल बेचा है। ये सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य होगा और यकीन नहीं होगा, लेकिन ये है बहुत बड़ा सच। और आपको बता दें, न सिर्फ इतना बल्कि $5 बिलियन के खजाने की खुदाई भी शुरू कर दी है भारत ने। अरब देश खुद हैरान होंगे कि भारत ने कैसे ये सारा खेल कर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 2 साल से यूके की राजनीति में बवाल मचा हुआ है और ये बवाल छिपा हुआ किसी से नहीं है, लेकिन अभी 2 लड़कियों ने एक लेटर बम फोड़ दिया है ऋषि सुनक की कुर्सी पर और इसका असर होता हुआ दिख रहा है। यूके की राजनीति में पिछले 2 सालों से तूफान मचा हुआ है। इस दौरान 2 प्रधानमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। ऋषि सुनक तीसरे ऐसे नेता हैं जो इन 2 सालों में प्रधानमंत्री बने। उनसे पहले लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। उन्होंने इस हफ्ते भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को उनके पद से हटा दिया। सुएला ब्रेवरमैन मुस्लिम, पाकिस्तान और अप्रवासियों के मुद्दे पर काफी आक्रामक बयानबाजी करती रही है, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर जो आक्रामक बयानबाजी उन्होंने दी उनके पद से हटाए जाने की वजह बन गई। लेकिन सुएला ब्रेवरमैन को हटाए जाने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के राइट विंग के नेता ऋषि सुनक से गुस्से में है। अपने कार्यकाल के दौरान सुएला ब्रेवरमैन मुस्लिमों और पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रही है। उन्होंने इसी साल यूके में रहने वाले पाकिस्तानी मुस्लिमों को लेकर कई तीखी बयानबाजी भी की है। और यही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, फिलिस्तीन के मामले में भी इन्होंने बेबाक होकर बोला। अब उसके बाद जब इन्हें हटा दिया गया तो इन्होंने, सुएला ब्रेवरमैन ने 1318 शब्दों में एक लंबा चौड़ा बही खाता लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और अपने समय से कई रहस्यों का खुलासा कर दिया है। इन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में बहुत दिक्कत है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि आपने जो घोषणा पत्र में कहा था वो सारा पूरा करने में आप फेल रहे। कानूनी प्रवासन को कम करना, अवैध माइग्रेशन को रोकना, ये सब कुछ आप शामिल नहीं कर सके, आप पूरा नहीं कर सके। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने यहूदी विरोधी भावना और उग्रवाद के बारे में भी चिंताएं जाहिर करी। अब इस लेटर बम के बाद एक दूसरा बम फोड़ दिया और ये भी है मैडम एंड्रिया जेनकिंग। और इनके साथ दिक्कत ये है ना कि पहले भी ये इस तरीके के अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी हैं, अब ये अविश्वास प्रस्ताव ला रही हैं। ब्रिटेन का सियासी माहौल को गर्मा दिया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर इसको पोस्ट किया, स्क्रीन पर देखिए, और पोस्ट करते हुए इन्होंने कहा कि अब ऋषि सुनक के जाने का समय आ गया है, उनकी जगह एक असली कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का आने का समय आ गया है। उन्होंने सुनक की आलोचना करते हुए कहा कि आपने ही बोरिस जॉनसन को हटाया है कूटनीति तरीके से, लेकिन सुएला को जो आपने हटाया ये और भी बुरा कर दिया है। अब यहाँ पर माहौल गर्म हो रहा है, देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है, ऋषि सुनक की कुर्सी बचती है या फिर ऋषि सुनक की कुर्सी जाती है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अचंभा हुआ है। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल ONGC की आर्टिकल है। ONGC 2 प्लांट लगाने जा रहा है और ये दोनों प्लांट के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगा। पेट्रोकेमिकल प्लांट ये स्टार्ट करेगा। ONGC इतना आक्रामक पहले कभी नहीं दिखा जितना अब दिख रहा है। और आपको बता दें, इसका फायदा भी भारत को जरूर मिलेगा। हमारे देश में 80% तेल खरीदा जाता है और जब हम 80% तेल खरीदते हैं तो तेल के ऊपर निर्भरता कितनी है हमारी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पर आपको बता दें, जो चीजें अब हो रही हैं, शायद इन चीजों को बहुत पहले होना चाहिए था। 1983 में पता चलता है, क्या पता चलता है, स्क्रीन पर एक मैप देखिए, ये जो इलाका है इस इलाके को कहते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। और ये इलाका कितने का है,
50,000 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इलाका है। इस इलाके में 1983 में ही ONGC ने कहा कि देखो यहाँ तेल और गैस हो सकता है, यहाँ पर एक ऑफिस खोल दिया और इन्होंने कहा कि हम यहाँ खुदाई वगैरह करेंगे। लेकिन 1983 और उसके बाद समय आया 2005। 2005 में एक इंडस्ट्री आती है और वो कहती है कि हाँ जी यहाँ पर ना 20 ट्रिलियन के आसपास का खजाना हो सकता है, बात तुम गलत नहीं कह रहे हो। 2005 में भी ये बातें बोलकर ख़त्म हो गई। फिर 2006 में बात आई कि नहीं यहाँ पर 14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का हो सकता है यहाँ पर भंडार हो। फिर मई 2011 में प्राइवेट कंपनियाँ भी यहाँ आने लगी। रिलायंस ने बोला कि यहाँ 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस प्रेजेंट हो सकता है इस पूरे ब्लॉक में। ये सारी चीज़ें डिस्कवरी होती रही, खोज होती रही। स्क्रीन पर आप इस कटिंग को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। आप सोच लीजिए ये वो इलाका है जहाँ आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाले तीन सेक्टर में इसे बांटा गया है। ये तीनों में अलग अलग तरह के तेल गैस हैं। ग्रीन वाला जो इलाका है वहाँ बताया जा रहा है कि तेल की बड़ी मात्रा है, और जो बाकी इलाके हैं इन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ पर गैस है। और ये जो गैस है दो तरह का है, एक कैटाजेनिक दूसरा है मेटाजेनिक। ये ग्रीन में तेल और गैस, और वहीं रेड वाले में गैस मेटाजेनिक और ग्रे वाले में गैस मेटाजेनिक। ये कहा गया कि इस तरीके के यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये खजाना कितने का है तो बताया गया ये खजाना करीब $5 बिलियन का है। लेकिन प्रोडक्शन कब शुरू हो रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। इस महीने से इस $5 बिलियन के खजाने को निकाला जाएगा। अब भगवान जाने इतने सालों से किस चीज का इंतजार किया जा रहा था, पर हाँ देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये काम शुरू तो हुआ। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर है। आपको ये सुनकर आश्चर्य जरूर लगा होगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, पर ऐसा हुआ है। एशिया में भारत ने सबसे ज्यादा तेल बेच दिया है, और ये रिपोर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट टॉप की रिपोर्ट है। 15 देशों की लिस्ट निकाली गई 2022 में किसने सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल बेचा है, क्रूड ऑयल नहीं। अमेरिका $135.4 बिलियन, भारत दूसरे नंबर पर है, ये दुनिया भर की रिपोर्ट है। और एशिया में भारत पहले नंबर पर है $94.4 बिलियन, यानी दुनिया भर में 8.4% इसने तेल बेच दिया है। UAE, चाइना, सऊदी अरब सबको पार करते हुए भारत की परसेंटेज बहुत अच्छी है। और अब तो ONGC भी इस जगह उतर आई है। कहते हैं ना, एक बार खून का स्वाद लग गया तो फिर कोई भी वैसा ही चाहने लगता है, यही चीज हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भारत ने तेल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया है, तो अब जाकर ये प्रोजेक्ट्स वगैरह पर जोर शोर से काम शुरू हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।